बेटी ये सब हैंडीक्राफ्ट का काम है, मैं खुद से वर्क करती हूँ, सब अलग अलग वेस्ट को भी बहुत यूज करती हूँ मैं। जैसे ये बॉटल जो है हम हैंड करते हैं, तो इस पर मैं डेक्यूपेज वर्क करती हूँ। एक तरह आर्ट है, चाइनीज आर्ट है, उसको मैं करती हूँ। कितने टाइम लगा इसमें? इसमें 3 पीसेस होते हैं। मैम इसमें कौन से कलर यूज किए? वाटर मैशिंग कलर यूज होते हैं इसमें, वाटर प्रूफ कलर होते हैं। उतर भी जाते हैं ये जैसे पानी वगैरह में? नहीं नहीं, ये वॉशेबल है, वॉरिश कर रखी है तो वॉशेबल है ये। ये रेडीमेड होते हैं, इसको बस आपने वुड पे लगाना है, प्लस ये कैंडल्स होते हैं, वैक्स हम करवाते हैं, जेल होता है। और जो मैम आपने ये बनाया है, किस कौन से उससे यूज? ये वुड के ऊपर लामासा क्लेवर किया हुआ है। ये इसको क्या बोलते हैं ये जिससे बनाया हुआ है? ये क्लेवर लामासा क्ले है ये। हाँ जी, फेविकोल अरारोट से बनती है ये, वुड से बना हुआ ये किचन है। और मैम ये क्या है? ये पॉट्स हैं, ये जो हम जीन फट जाती है, जीन को उल्टा सीमेंट से जीन और सीमेंट के मदद से बनते हैं ये। प्लांटर जो है हमारे बहुत बढ़िया सॉलिड, बहुत दिखे वेट दिखे इसका, बहुत बढ़िया सॉलिड होते हैं। हाँ ये रियल है, ये सकुलेंट्स हैं। और मैम इसको क्या बोलते हैं? ये सकुलेंट्स हैं। हाँ जी, ये कांटे वाले, कांटों वाले में कहते हैं। ये भी आपने बनाया? हाँ ये मशरूम का, ये गार्डन डेको, गार्डन डेको सीमेंट से बनता है ये। और मैम विलेज में इसको क्या बोलते हैं? ये हॉर्सिया प्लांट है, वो भी है। ये फ्लावरिंग प्लांट है, समझ में, ये अभी मई में ये करते हैं, मार्च में फ्लावरिंग करते हैं। इसके अंदर क्या रख सकते हैं? ये मैं ये जा रहा बेटा, ये इसके लिड पे काम करता है, ढक्कन पे काम होता है इसका। हाँ तो ये इसमें सौंफ सपारी बहुत रिच रुक देता है टाइम टेबल। मैम इसको खोल के दिखाओ ना, इसको शो ही नहीं हो रहा क्या चीज़ है। प्राइस भी तो बताओ मैम इनको। प्राइस लग जाते हैं इनके एक पे इसको मैम अपने हाथ से बना रही हूं। प्राइस तो मैम आपने वीडियो में बताया नहीं कि हम इसको इतने का देंगे। जैसे इन सब ने आपसे सब